हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल संतरा इलेक्ट्रिकल हब। मैं विश्वजीत। आज का टॉपिक आईजीबीटी बेस्ट वेल्डिंग मशीन आर्क 260 एम्पियर, उसका पावर लाइट ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है, उसको आज फिक्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें यही प्रॉब्लम है। अब इधर लाइट की तरफ देख सकते हो, ऐसे आर्क हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग फिक्स करेंगे। इसको देख सकते हो, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में ले लिया हूँ, जो इधर क्या शॉर्ट है। ऐसे केस में नॉर्मली एक साइड का आईजीबीटी शॉर्ट होता है। पहले तो मैं कैपेसिटर में देख लेता हूँ यहाँ पे वोल्टेज है कि नहीं। इधर देख सकते हो, एक साइड बीप हो रहा है, एक साइड बीप नहीं हो रहा है। डेन टू सोर्स चेक कर रहा हूँ। इधर भी देखिए, डेन टू सोर्स चेक कर रहा हूँ। फिर से एक बार पावर देके चेक करूंगा। वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, नाट खोलने में टाइम लग रहा है इसलिए। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ से नहीं खोल रहा था इसलिए हीट सिंक खोल लिया हूँ। तो मैं यहाँ पे देखा रहा हूँ, ड्रेन टू सोर्स में देख रहा हूँ। यहाँ पे ठीक है, ये आईजीबीटी में देख रहा हूँ, ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट है। इधर देख रहा हूँ, ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट है, इधर ठीक है। फ्रेंड, यहाँ पे ये पेयर में एक आईजीबीटी खराब है, यहाँ पे भी एक आईजीबीटी खराब है। और ये आईजीबीटी क्यों खराब है ये पहले चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये डायोड को भी चेक कर ले रहा हूँ। देखिए ये डायोड को भी, डायोड को बीच में रख के दो साइड में देखिए, देख रहा हूँ कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से भी इसके बीच में रख के दो साइड में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसका बीच में रख के दो साइड में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसका बीच में रख के दो साइड में चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसलिए मैं पहले इसको खोलूँगा, इस डायोड को, फिर देखूँगा क्या दिक्कत है। इसको भी खोल दिया, फिर डायोड पे चेक कर रहा हूँ। फ्रेंड ये देख सकते हो, इस डायोड में एक डायोड मॉड्यूल है, इसके अंदर दो डायोड लगा है, लेकिन एक साइड का डायोड ठीक है और एक साइड का डायोड खराब है, ठीक है ना। फ्रेंड, एक साइड का डायोड खराब, एक साइड का डायोड ठीक है। तो यहाँ पे दो आईजीबीटी और एक डायोड को चेक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिर भी देख ले रहा हूँ और कहीं पे प्रॉब्लम है कि नहीं। हम लोग अभी इसका फायरिंग चेक करेंगे। फ्रेंड देखिए, एसएमपीएस ऑन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पावर एलईडी भी ग्लो हो रहा है, पावर एलईडी ग्लो हो रहा है। अभी हम लोग मीटर को एसी में रेंज के रख के, मीटर को 200 एसी में रख दिया हूँ। उसके बाद मैं इसका
सोर्स टू गेट चेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मीटर में 4.1 वोल्ट हो रहा है। फिर इधर भी चेक कर रहा हूँ 4.0 है। फिर इधर भी चेक करूँगा 3.4 है। फिर इधर चेक करूँगा 3.4 है। फ्रेंड इसका जो गेट ड्राइव सप्लाई है वो सही है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका कैपेसिटर चार्ज है, इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ। देख लो कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिया। फिर हम लोग फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कुछ डार्ट फार्ट खराब है कि नहीं। फ्रेंड यहाँ पे फिजिकली सब ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये तीनों चीज को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग चेंज करते हैं जल्दी। तो इतना तो पार्ट्स लगाने के टाइम में मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट्स लगाने के बाद फिर से दिखा रहा हूँ हम लोग। फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे मैं दो IGBT चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पे 40 एंड 60 IGBT था, ये साइड का एक IGBT खराब था, इस साइड का एक IGBT खराब था। मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, तब IGBT चेंज करने के बाद देखिए गेट डेन, अभी कोनो बीप साउंड नहीं है, अभी देख सकते हो शॉर्टेज नहीं है। अभी इधर भी देख सकते हो शॉर्टेज नहीं है, इधर भी देख सकते हो कुछ शॉर्टेज नहीं है। फिर शॉर्ट नहीं है तो इसको दो को चेंज कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो एक डायोड जो खराब था, मैं डायोड को नहीं लगाया, इसको खोल दिया क्योंकि पैरालल में था। अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए चल जाएगा, तो लेकिन आप लोगों का कस्टमर के जब डिलीवरी देना है तो लगा के दीजिए प्लीज, नहीं तो एम्पियर में प्रॉब्लम होगा आउटपुट एम्पियर में। मैं यहाँ पे खोल दिया हूँ, तो फिलहाल मैं इसको सप्लाई दूंगा। फिर देखिए मैं सप्लाई दिया, फैन चल गया, रिले का टिक करके साउंड आ गया। अभी इधर देख सकते हो पावर लाइट ब्लो हो गया, पावर लाइट ब्लो हो गया, रेड LED जल रहा है। मैं आपको मल्टीमीटर को DC रेंज में रख के आपको लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए वोल्टेज 60 वोल्ट आ रहा है मीटर में, देखिए 60 वोल्ट आ रहा है आउटपुट, DC 60 वोल्ट दे रहा है। मैं आप लोगों को स्पार्किंग करके भी दिखा रहा हूँ, देखिए स्पार्किंग भी, देखिए देखिए स्पार्किंग हो रहा है, देखिए स्पार्किंग हो रहा है, स्पार्किंग हो रहा है। फ्रेंड अभी इसको बंद कर रहा हूँ। फ्रेंड अब लोग जब ऐसे प्रॉब्लम आएगा, अगर लाइट पावर ब्लिंकिंग करेगा, उसका मतलब आप लोग देखिएगा आउटपुट, मतलब DC लिंक ये जो DC लिंक है पॉजिटिव, इधर इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव DC लिंक में शॉर्ट हो सकता है। उसके बाद अगर DC लिंक में तो डायरेक्ट DC लिंक डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, नहीं तो IGBT में भी शॉर्ट हो सकता है। किसी एक IGBT जब शॉर्ट होगा तो क्या होगा, लाइट हल्का से ब्लो करेगा, जब फायरिंग करेगा तो कर 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 आवाज आएगा और लाइट फुल जलेगा, ये होगा। लेकिन सबसे पहले अगर IGBT फॉल्ट आप लोग देख लिया ना, उसके बाद डायरेक्ट IGBT मत लगाइए। जो ड्राइव वोल्टेज है ना, गेट ड्राइव वोल्टेज, उसको AC में रख के चेक कीजिए, उसके बाद DC में मीटर को DC में रख के चेक कीजिए। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए, सिर्फ AC आना चाहिए, क्योंकि ये AC में काम करते हैं, लॉजिक जो बना है यहाँ का सर्किट। और भी देखिए डायोड क्यों फूटा, सॉरी IGBT क्यों फूटा। IGBT तो खराब भी देख लिया, IGBT को चेंज भी कर दोगे, लेकिन IGBT क्यों खराब है वो चेक करना है। IGBT क्यों खराब है, हाई वोल्टेज की वजह से हो सकता है, या यहाँ पे जो ग्रेट ड्राइव सर्किट है वहाँ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ये जो डायोड लगा है डायोड प्रॉब्लम हो सकता है। मैं यहाँ पे देखा हूँ डायोड प्रॉब्लम है, इसलिए ये डायोड को रिमूव करके लगा, नहीं तो डायोड लगा रहेगा तो आप लोग IGBT चेंज कर दोगे तो फिर से IGBT फूट जाएगा। इसलिए फ्रेंड मेरे व्यूअर ने कमेंट में बोलता है बार बार IGBT फूट जाता है, तो कैसे फूटता है, इसी ये जो डायोड है आउटपुट सेक्शन में, डायोड को एक डायोड लीकेज शॉर्ट रह सकता है, या फुल शॉर्ट रह सकता है, या गेट ड्राइव नेटवर्क जो सर्किट बना है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो IGBT लगाने से पहले ये सब चेक कीजिए, उसके बाद IGBT लगाए तो परफेक्ट चलेगा।
फ्रेंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग ओरिएंटेड वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।